हमारे पास आपको टीम नजर आ रही है? यस ओके, तो हमारे पास, हमने फिलहाल तक जो अपने पास हमने लैब परफॉर्म करनी है, वो हमने 4 लैब्स परफॉर्म करनी है, जिसमें से 2 लैब सीलो नंबर 1 और 2 लैब हमारे पास सीलो नंबर 2 से होती थी। ठीक है, क्योंकि थ्योरी में हम एक सीक्वेंस इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि हमारे पास हमें JFET ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व समझ में आ गया था, तो हम चाह रहे हैं कि हमें उसी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व से MOSFET का कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी समझ में आ गया। कोई सीक्वेंस हमने ये फॉलो किया कि हमने JFET के कैरेक्टरिस्टिक कर्व को देखा, क्योंकि JFET और DMOSFET का कर्व बहुत रिजेंबल कर रहा था एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास हमने हमने JFET की बाइसिंग्स और DMOSFET की बाइसिंग्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व को देख लिया, तो कि सेम थी। EMOSFET थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसके लिहाज से आपने वी थ्रेशोल्ड वैल्यूज और इन चीज़ों को भी देख लिया। क्लियर। उसके अलावा हमारे पास आपने JFET की बाइसिंग्स को देखा, तो बाइसिंग्स भी वोल्टेज डिवाइडर, और आपके पास एक एक्स्ट्रा वो आपने यूज़ की है बाइसिंग, और वो है, कोई बता सकता है आपने EMOSFET के लिए एक और बाइसिंग कौन सी यूज़ की है? सर 0 बाइस मैं EMOSFET पूछूं। वही सर EMOS में 0 बाइस था ना। EMOSFET 0 बाइस हो सकता है? थोड़ा तो सा ग्राफ यस का सर याद करें, उसको थ्रेशोल्ड चाहिए होता है। यस सर यस सर सॉरी सर डी मॉसफेट को आप 0 बायस कर सकते हैं, तो एक एक्स्ट्रा बाइसिंग आपने पढ़ी है जो कि डी मॉसफेट के लिए आते हैं, कि आप उसकी बाइसिंग्स को देख सकते हैं। बाकी बाइसिंग सेम है, लेकिन आप 0 बाइसिंग देख रहे होते हैं, जो कि एक यूनिक फीचर है फॉर डी मॉसफेट। और इसके अलावा आप ई मॉसफेट के लिए आपने एक बाइसिंग देखी, जैसे आपने ड्रेन फीडबैक बाइसिंग का है। क्लियर। तो आपके पास, क्योंकि अब हम फिलहाल तक हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, कॉमन ड्रेन, कॉमन गेट एम्पलीफायर्स को स्टडी नहीं किया है, तो हम अभी सीक्वेंस में हम चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो हम अब लैब नंबर 4 के बाद लैब नंबर 7 को आज देख रहे होंगे। लैब नंबर 7 अबाउट मॉसफेट, मीन्स डी मॉसफेट एंड ई मॉसफेट की करेक्टरिस्टिक कर्व, दोनों के करेक्टरिस्टिक कर्व आपको याद होने चाहिए। डी मॉसफेट का कर्व जो है वो JFET की तरह है, लेकिन उसमें इन्हेंसमेंट मोड भी यूज़ किया जा सकता है, कि अगर आप पॉजिटिव वोल्टेजेस की तरफ जाएंगे तो फर्दर डी मॉसफेट मजीद भी इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, फर्दर करंट भी इंक्रीज हो रहा होता है। जबकि हमारे पास जो JFET में था, जब आप पॉजिटिव VGS की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, तो बिल्कुल आप 0 एम्पीयर तक, सॉरी मैक्सिमम करंट तक पहुँच जाते हैं, और उसके अलावा फर्दर मजीद नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, उसके अलावा ई मॉसफेट में आपके पास, आपको थ्रेशोल्ड वोल्टेज जरूर चाहिए, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद फिर आपके पास क्या वैल्यूज आ रही है। क्लियर। तो आज हम लैब नंबर 7 में मॉसफेट मीन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को देख रहे होंगे, जिसमें डी मॉसफेट एंड ई मॉसफेट के करेक्टरिस्टिक कर्व और इनकी बाइसिंग्स को हम देख रहे हैं। क्लियर। तो थोड़ा सा एक रिव्यू, या हम रिविजन कह लें, वो मैं बता देता हूँ कि डी मॉसफेट एंड ई मॉसफेट, डी मॉसफेट का स्ट्रक्चर ये है कि जिसमें आपके पास एन चैनल पहले से मौजूद है। ठीक है, तो आप हम करेंगे क्या कि आप एक ही सोर्स यूज़ करेंगे, जो कि आपके पास पहले नेगेटिव वोल्टेजेस प्रोवाइड कर रहा, जो कि पहले नेगेटिव वोल्टेजेस प्रोवाइड कर रहा हो, जिसकी वजह से आपके पास ड्रेन करंट कम हो रहा होगा। ठीक है, और फिर आपके पास, मीन्स ये ऐसा भी हो सकता है कि आप 0 से लेकर -5 वोल्ट तक चले जाए, तो आपको ड्रेन करंट कम होता हुआ नजर आएगा। तो आप किस ग्राफ के किस एरिया में आ रहे होंगे? आप किस एरिया में आ रहे होंगे, क्योंकि 0 से लेकर आप किसी -5 में कह सकते, अगर उसका VGS -5 है। ठीक है, फर्दर फिर आप क्या करेंगे, इस पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ जाएंगे, जो कि 0 से लेकर 5 वोल्ट भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सिमुलेशन में आप एक ही सोर्स यूज करें, जो कि -5 से लेकर 5 वोल्ट तक मूव हो रही, तो आपको नज़र आएगा कि कंटिन्यूसली करंट आपके पास यहाँ से इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा, और जब आप 0 को क्रॉस करेंगे तब भी फर्दर इंक्रीज होता हुआ करंट नज़र आएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं जिसमें हम इसे 0 बायस भी कर सकते हैं, ताकि VGS 0 आ जाए और VGS हमारे पास VGS ऑफ के बराबर हो जाए। कंडक्ट कर रहा है 2 रीजन्स में, जिसमें आपके पास, आपको अभी डिफ्रेंशिएट करना होगा कि डिप्लीशन मोड कौन सा है। डिप्लीशन मोड कौन सा होगा, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो -4 से लेकर 0 वोल्ट तक आपके पास डिप्लीशन मोड है, और 0 वोल्ट से लेकर +1 वोल्ट तक आपके पास जो है वो इन्हेंसमेंट मोड है। ठीक है, और यही इन्हेंसमेंट पोर्शन डी मॉसफेट को JFET से आपके पास डिफ्रेंशिएट करता है, मीन्स उसे अलग करता है। डिटेल्स वगैरह हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं इसकी। ये डिफरेंट मिड पॉइंट और क्वार्टर पॉइंट पर आप इसकी बाइसिंग्स कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कर्व है जो आपके पास आपको अचीव करना है, ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कर्व फॉर डी मॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे मूव कर जाएं तो इसी की हमें बायसिंग करनी होगी, जिसे हम जीरो बायस कहते हैं। ठीक है, जीरो बायस मीन्स हम इस यहाँ पर जीरो बायसिंग मेंटेन कर रहे होंगे, और फिर हम देखेंगे कि जीरो बायसिंग पर हमारे पास आईडी मीन, जब भी हम बायसिंग की बात करते हैं तो हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें क्यू पॉइंट चाहिए होता है एक, और हमें IDSS चाहिए होता। IDSS के लिहाज से VGS की क्या वैल्यू है? ठीक है, ये जो पॉइंट है ये होगा VGS, अगर जीरो है तो IDSS आपके पास मैक्सिमम पॉइंट पर होता है, और इस पॉइंट को आप कहते हैं सेचुरेशन। और दूसरा पॉइंट आपके पास होता है कट ऑफ, जिसमें ID इक्वल हो जाता है जीरो के, और उसके लिहाज से आपको वीडियो देखना होता है कि वीडियो क्या है, और इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं जी, नहीं पता किसी को भी, कट ऑफ। तो ये चार चीजें, तीन चीजें जो आपको एक बाइसिंग के लिहाज से चाहिए होती हैं, तो बाइसिंग के लिहाज से जब आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास सेचुरेशन पॉइंट है, ये हमारे पास कट ऑफ पॉइंट है, और यहाँ से आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, और आपका क्यू पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि क्यू पॉइंट के लिहाज से आपको दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक आईडी और दूसरा आपके पास वीजीएस। जब आप जीरो बाइस करते हैं आपके लिए ये काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आपने सेचुरेशन फाइंड किया होता है तो वहीं पर आपका क्यू पॉइंट भी सेट हो जाता है। क्लियर? तो ये जीरो बायस, और फिर फर्दर हमारे पास ई मॉस्फेट, जिसके दरम्यान में चैनल मौजूद नहीं है। अब आपको चैनल डेवलप करना होगा, जिसके लिए कुछ ना कुछ वोल्टेज रिक्वायर्ड होगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पॉजिटिव VGS प्रोवाइड करना होगा। तो आपको दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि जब आप डी मॉस्फेट यूज़ करेंगे तो आप जो यहाँ पे सोर्स यूज़ करेंगे आप फॉर ट्रांसफर करके चेक कर वो माइनस वोल्टेज से लेकर किसी प्लस वोल्टेज तक आप जा रहे हैं, ताकि आप डिप्लीशन मोड में भी आ जाएं और फिर आप इन्हेंसमेंट मोड में भी आ जाएं। लेकिन जब आप ई मॉस्फेट को देख रहे होंगे तो ई मॉस्फेट के लिए आपको VGS को पॉजिटिव ही प्रोवाइड करना होगा, मीन्स पॉजिटिव वोल्टेजेस के लिहाज से हम देख रहे होंगे। तो पॉजिटिव वोल्टेजेस के लिहाज से जब आप इस ग्राफ को देख रहे होंगे तो आपको देखना होगा कि आपके पास VT, ये वोल्टेज आपको फाइंड करना है कि ये VT क्या होगा, मीन्स ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कर्व के लिहाज से आपको ये पॉइंट ज़रूर फाइंड करना है कि कब तक थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना आना चाहिए और किस उसके बाद फर्दर आपका करंट कितना इंक्रीज कर दिया था। क्लियर? और यहाँ पर आपको बाकी इसके याद की चीज़ें पता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कर्व हैं डी मॉस्फेट एंड ई मॉस्फेट्स की। फिर तो जब आप इसकी बायसिंग की बात करेंगे तो आपके पास दो बायसिंग होंगी, एक होगा आपके पास वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर में आपने RS रेजिस्टर को निकाल दिया, ठीक है, और आपके पास दूसरी है ड्रेन फीडबैक बायस। आपने ये दो कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, इन दो कॉन्फ़िगरेशन से क्या होगा कि अब आपको ग्राफ में VT की वैल्यू पता होगी, मीन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है, और उसके बाद आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, तो आप क्यू पॉइंट बता रहे होंगे कि हमारे पास क्यू पॉइंट के लिहाज से वही दो चीज़ें कि आपके पास क्यू पॉइंट के लिहाज से ID की क्या वैल्यू है, VGS की क्या वैल्यू है और VDS की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आप उस ग्राफ में देख रहे होंगे। तो ये ओवरऑल आज की लैब का हमारे पास स्ट्रक्चर। अगर किसी को फिर भी बाइसिंग्स के लिहाज से या किसी की चीज़ों के लिहाज से आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं यूट्यूब पर भी मौजूद हैं और आपके एम एस टीम्स में भी मौजूद हैं, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ID और VGS ज़रूर देखना होगा। क्लियर? कुछ चीज़ें जहन में ज़रूर रखिएगा जिसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये दो चीज़ें हम जिन्हें स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो ग्राफ में चेंज आया है वो ये है कि पहले जो जे में मॉस्फेट है वहाँ पे आप VDS को भी देख रहे होते थे इस ग्राफ में। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे VGS ही मेंशन रहेगा क्योंकि VGS फर्दर इंक्रीज हो रहा है और VGS की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज हैं। इसी तरह जब आप ई मॉस्फेट की ग्राफ देख रहे हैं तो आप ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इस एक्सिस पर क्या चीज़ है, तो इस एक्सिस पर आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि VGS है। तो कहने का मकसद ये है कि अब आप जब ग्राफ बना रहे होंगे वो दो एक्सिस होंगे और वो दो एक्सिस किसके लिहाज से होंगे, एक VGS और दूसरा ID।
इसी तरह से ई मॉसफेट के लिहाज से भी एक VGS होगा और दूसरा ID होगा। तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी तरह के अभी, तो आप काइंडली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके तो फिर हम नेक्स्ट शिफ्ट होते हैं हमारे पास ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कर्व की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कर्व, जैसे आपको पता है कि हम अच्छा नॉर्मली हम ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कर्व में कोई बता सकते हैं हम क्यों रेजिस्टेंस या कोई चीज ऐड नहीं कर रहे होते सर, ताकि हम लोग उनके क्रॉस ड्रॉप ना होना सर, सिर्फ एक्चुअल वैल्यूज मिल सके। जी, ताकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई चीज़ भी ड्रॉप ना हो रही हो, और ताकि हमें एक्चुअल ट्रांसफर जो हमारे पास जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसके एक्चुअल ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक का पता चले कि ट्रांजिस्टर किस वोल्टेज पर किस तरह बिहेव करता है और वो कितने करंट को अलाउ कर रहा होता है या स्टॉप कर रहा होता है। ठीक है, तो दो सर्किट्स हैं, दोनों सर्किट में हम अगर इस सर्किट को देखें तो ये सर्किट बता सकते हैं कौन से ट्रांजिस्टर का है, कौन सा मॉसफेट है? सर ये डी मॉसफेट है। कैसे पता चला सर? क्योंकि जो बीच में चैनल है वो पहले का डेवलप दिखा रहे हैं। जी, तो हमें ठीक है, तो हमारे पास डी मॉसफेट की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। आपको कैसे पता चल रहा है? आपको पता ये चल रहा है कि चैनल पहले से हमारे पास इनके बिटवीन डेवलप्ड है। ठीक है, तो आप डिफरेंट नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें मैं कभी भी स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता हूँ कि आप किसी एक नंबर को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास ये नंबर जो हमने यूज़ किया है फॉर डी मॉसफेट वो है BSV81। ठीक है, BSV81 एक हमारे पास डी मॉसफेट ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कर्व डी मॉसफेट ट्रांजिस्टर है जो हम इस सिमुलेशन के लिए यूज़ कर रहे होंगे, डी मॉसफेट के लिए यूज़ कर रहे होंगे। और ये ट्रांजिस्टर बता सकते हैं कौन सा है? पहचान आप लोगों को समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमारे पास दो डिफरेंट जिनके हमने ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कर्व देखनी, तो हमारे पास ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कर्व देखने के लिए हमने सेम उसी तरह से बायसिंग की, क्योंकि हमें दो डिफरेंट सोर्सेज हैं। क्योंकि अगर चैनल पहले से मौजूद है तो आपके पास इसे जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, मीन आप अगर इसे बिल्कुल जीरो पर शिफ्ट कर देते हैं या किसी एक वोल्टेज के लिहाज से भी आप देख सकते हैं जैसे, ठीक है क्या 0.25 तो उसके लिहाज से आप जैसे जैसे इसको वोल्टेज सोर्सेज को बढ़ा रहे होंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा करंट में इंक्रीज आ रहा हो, और फिर आप ओमिक रीजन से गुजर कर आप किस रीजन में पहुंच रहे हो, यहाँ पर आपकी कहीं कहीं नजर भी आ रहा है। जैसे ये है, हर एक में हमें नज़र आएगा कि हम ओमिक रीजन में ज़रूर आ रहे होंगे, इसी तरह से आपका भी मौसम में भी होगा। तो पिछली जो लैब है हमारे पास जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बायसिंग से पहले हमने ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कर्व देखा था जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, तो अब डी मॉसफेट के लिए भी आप इसी तरह से कह सकते हैं कि आप इस सोर्स की वैल्यू को जीरो पर रखें और इसको फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं, और फिर आप करंट की वैल्यू इसको देख रहे हैं कि फाइनली IDSS में कहां तक पहुंचते हैं। तो IDSS फाइंड करने के लिए ये जो सोर्स यूज़ की है, इस सोर्स को नेम्स दे सकते हैं कि आपके पास, ताकि आपको याद रहे कि आपके पास सोर्स कौन सी है, मीन्स आपके पास VDS है या VDS है कौन सी है। तो हम इसे नेम दे देते हैं VDS, और मैं आगे इसके अंदर स्कोर में लिख देता हूँ डी। डी मीन्स फॉर डी मॉसफेट। ठीक है, VDS अंडरस्कोर डी इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि ये डी मॉसफेट है। उसके अलावा अगर आप इसकी वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो आपके पास हमने मैक्सिमम, अब चीज़ क्लियर होनी चाहिए क्यों हमने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी रखी है और पॉजिटिव भी रखी। जी सर, नेगेटिव। जी, हमने मैक्सिमम वैल्यू -5 रखी, मिनिमम वैल्यू -5 रखी और मैक्सिमम 2 रखी, क्यों सर? मैं वो तो डी मॉसफेट के लिए सर एनहांसमेंट मोड है ना, क्योंकि -5 तक तो वो उसमें जाएगा आपका डिप्लीशन मोड में,
फिर जो जीरो से जी, ऊपर तो टू हमने मोड से वो इन मोड है। हम मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं कि हम सोर्स को हटाएं, फिर उसकी पोलैरिटीज को डिफरेंशिएट करें, फिर वो करें, और उस करने से बेहतर हमने क्या किया, हमने दो पोर्शन जिनके हमने डी मॉसफेट और ई मॉसफेट की बात की थी, तो हमने माइनस फाइव से लेकर जीरो तक जो पोर्शन है वो फॉर डी मॉसफेट है, और हमारे पास जो दूसरा पोर्शन है जिसे आप कहते हैं इन्हेंसमेंट मोड, उस इन्हेंसमेंट मोड के लिए हमने जीरो से लेकर टू वोल्ट रखे हैं। तो हमने ये जो टू वोल्ट रखे हैं ये फॉर इन्हेंसमेंट मोड रखे हैं, और हमारे पास माइनस फाइव वोल्ट से लेकर जो हमने जीरो वोल्ट तक रखा है वो हमने फॉर डिप्लीशन मोड रखा है। ठीक है, तो अब दोबारा से उसी तरह से आई डी एस एस की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए, अब सीपीयू को चेंज करने के लिए इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और इंक्रीज 5% की जाए से 4.5% करें, देखें के लिए हमारे पास अब इसे 0.04 वोल्ट तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, हम इसे जीरो जीरो वोल्ट पर अभी मैं क्यों रख रहा हूँ, ताकि हमारे पास हमें एक्चुअली आई डी एस एस की वैल्यू पता चल सके कि हमारे पास आई डी एस एस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और दूसरा आपको यहाँ से उसकी पिंच ऑफ वोल्टेज भी पता चलेगी, और ये दूसरी सोर्स है, इस सोर्स का नाम हम रख देते हैं, पहले नेम चेंज कर देते हैं, ये सोर्स कौन सी है, वी डी एस और फोर डी मॉसफेट। ठीक है, तो उसके अलावा जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ देख लिए हमने, मैक्सिमम वैल्यूज़ 10 वोल्ट रखी और मिनिमम हमारे पास भी, क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ चाहिए जो कि 0 से लेकर 10 तक होंगी, तो हमने यहाँ पर की ए यूज़ की है, एक हम एक ए ही रहने देते हैं, फर्दर दूसरों के लिए भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो ओके, तो एक बेसिक सा हमारे पास जो जो ग्राफ है वो हमारे पास क्लियर हो गया। अब हमें मैयर क्या चीज़ करनी है, मैयर हमें ये करनी है, हमारे पास दो सोर्सेज, तीन चीज़ें मैयर करनी होती हैं, कौन कौन सी जी सर, बता दीजिए, VGS है, एक है ID है VGS, दूसरी है VDS और और तीसरा ID है से। हमारे पास आई। ठीक है, तो अब हमारे पास दो चीज़ें तो हमें वोल्टेज से पता होंगी, हमें VGS डायरेक्टली पता है कि हमने उसे जीरो पुट कर दिया है, यहाँ पे एग्जैक्ट लिख दें तो 0.04 वोल्ट, और VDS हम वेरी कर रहे होंगे। ठीक है, और वेरी कर रहे होंगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर मैक्सिमम वैल्यू क्या रखिए 10 वोल्ट, जीरो से लेकर 10 वोल्ट तक मेजर कर रहे होंगे, और हम ID को देखेंगे कि हमारे पास ID की वैल्यूज क्या आ रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक चीज़ देखेंगे VDS, IDSS क्या, IDSS की क्या वैल्यू आती है, और एक और फोर्थ चीज़ हम क्या देख सकते हैं, हम पिंच ऑफ वोल्टेज देख सकते हैं। पिंच ऑफ वोल्टेज कब आएगा, जब आपके पास IDSS अचीव हो जाएगा, जब फर्स्ट वो पॉइंट जब आपके पास IDSS अचीव हो जाएगा, आपके पास पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है। तो ये फोर्थ चीज़ है, तो अब VDS हमारे पास सोर्स मौजूद है, VDS हमारे पास सोर्स मौजूद है, फॉर ID जिसे हमने मेजर करना है, IDSS मींस वो मैक्सिमम करंट तक जब पहुंच जाए, तो उसको मेजर करने के लिए हमें एक मीटर चाहिए होगा जो कि हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। और इसकी सेटिंग में हम कौन से करंट्स की बात कर रहे हैं, हम डीसी बायसिंग्स कर रहे हैं, ये डीसी करेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, तो हमने वोल्ट यहाँ पे एम्पेयर रख देना है और इसे डीसी पर सेट करना है। इसे प्ले कर देते हैं, तो हमारे पास जीरो, क्योंकि VDS बिल्कुल जीरो है, तो हमारे पास जीरो एम्पेयर करंट हमारे पास शो हो रहा है, हम की ए यूज़ करेंगे तो हमारे पास करंट, सॉरी मीटर कनेक्ट लगे, जीरो कर देते हैं, अप्ले करते हैं 0 एम्पेयर, और हम फर्दर ए की प्रेस कर रहे हैं तो 5.118 माइक्रो एम्पेयर, फर्दर प्रेस कर रहे हैं 6.407 माइक्रो एम्पेयर, फर्दर आप प्रेस कर रहे हैं तो आपके पास चेंज हुआ है जी, बहुत आप 0 फेम्टो एम्पेयर समहाउ क्लोज टू 0 एम्पेयर। ठीक है, हम ए प्रेस करते हैं 5.118 माइक्रो एम्पेयर, फर्दर चेंज किया 1 वोल्ट पर आपके पास 6.407 माइक्रो एम्पेयर, 1.5 कितना करंट आ रहा है, सेम है सर। ठीक है, फिर हमने फर्दर उसे 2 वोल्ट पे चेंज किया,
चेंज हुआ है? नो सर, नो सर, ठीक है, तो सेम जेफेट की तरह। तो अब आप बता सकते हैं कि आपके पास IDSS की वैल्यू क्या आ रही है? जी सिक्स पॉइंट फोर जीरो सेवन माइक्रो एम्पियर, ठीक है, जो कि वैल्यू उसके बाद चेंज ही नहीं हो रही, क्लियर। तो अब हमारे पास पिंच ऑफ वोल्टेज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि किन पॉइंट्स के बाद वो चीज़ चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ ताकि हम एग्जैक्ट पहुँच सकें कि कौन सी वोल्टेज है वो। इंक्रीमेंट को 4% कर देते हैं और कर देते हैं, और इसे 0 कर देते हैं, प्ले करते हैं और ए प्रेस करते हैं, तो 4.406 एम्पीयर, 6.318 माइक्रो एम्पीयर, 1.2 पर 6.407 माइक्रो एम्पीयर। अगर हम इससे फर्दर और भी पीछे चले जाएँ तो हमें शायद दोबारा और भी क्लियर चीज़ें पता चल सकें, जैसे 2.5%, ठीक है। इसे 0 पर ले जाते हैं और प्ले करते हैं, 0.25 पर 3.406 माइक्रो एम्पीयर, 0.5 पर 5.118 माइक्रो एम्पीयर, 0.75 पर आपके पास 6.216 माइक्रो एम्पीयर, 1 वोल्ट पर आपके पास 6.407 माइक्रो एम्पीयर। तो इसका मतलब है पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू क्या है? जी फैजान, 1 सर, 2 वोल्ट है, 1 है सर, 1 वोल्ट। जैसे साथ वैसे आपने 2 वोल्ट कैसे कहा? नहीं सर, 1 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि आपको पहले एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता चल रही थी, तो अब आपको ये चीज़ें पता है कि आपके पास ये तमाम चीज़ें ही हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग थी फॉर दिस, ठीक है। अब आपके पास 6.407 एक 1 वोल्ट पर है, हम इसे फर्दर बढ़ा देते हैं एक 1.25 और ये करंट चेंज नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास हम इसे बिल्कुल शिफ्ट कर देते हैं टूवर्ड -5, ठीक है। तो आपके पास करंट किस में चेंज हो चुका है? 44.409 पीको एम्पेयर। इसका मतलब है कि आपके पास आप कट ऑफ रीजन से भी आगे चले गए और बहुत ही कम करंट है। तो अब हमारे पास यहाँ पे की मौजूद है बी, तो हम बी को प्रेस करते हैं, उस करंट को इंक्रीज करने, वोल्टेज को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि हम अभी तक कट ऑफ रीजन से भी बाहर नहीं निकल पा रहे। -4.37, -4.055, -3.74, -3.425, -3.11, -2.795, -2.48, -2.165। ये अब स्लोली एक माइनर से करंट, वो भी अभी तक पीको करंट में है जो कि निग्लिजिबल ही होंगी। अब ये पीको से नैनो एम्पियर में शिफ्ट हुए, ये भी लीकेज करंट और मिनिमम करंट हैं। तो आप एग्जैक्ट जब आप -1 के करीब पहुँचे हैं तो तब आपके पास करंट फर्दर इंक्रीज, क्योंकि 1 पिंच ऑफ वोल्टेज अगर 1 है तो इसका मतलब है VGS ऑफ क्या, VGS ऑफ की क्या वैल्यू होगी? -1 सर। एक्सीलेंट, ठीक है। तो हम अभी फर्दर बी को और इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, तो हम माइक्रो एम्पीयर्स में देखें शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है, और -0.04 पर 6.047 माइक्रो एम्पीयर पर पहुंच गए। अब जैसे ही पहले आपने जब वोल्टेज को बढ़ाया, ठीक है, जो चीज़ पॉइंट ऑफ फोकस है, पॉइंट ऑफ फोकस ये है कि जब आप पहले इस वोल्टेज सोर्स को बढ़ा रहे थे तो आपका करंट इस सेचुरेशन करंट से नहीं बढ़ रहा था जो कि 6.407 माइक्रो एम्पेयर है, ठीक है। इस करंट से आपके पास आपकी करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही थी, लेकिन अब जैसे ही आप 0 वोल्ट से 0.355 वोल्ट पर चेंज हुए तो आपका करंट कितना चेंज हुआ है? 10.711 माइक्रो एम्पेयर। मीन्स आप 6.407 माइक्रो एम्पेयर से 10.611 माइक्रो एम्पेयर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, जो कि अगर मैं आपको ग्राफ में दिखा दूँ, ये ग्राफ में कौन सा रीजन है, कौन से मोड में? जी IDSS मीन्स अभी जो आपने IDSS कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू क्या आई है? 6 पॉइंट, तो बता सकते हैं क्या वैल्यू है? 0.407 माइक्रो एम्पीयर, ठीक है। और आप जितना भी VDS को बढ़ाते जा रहे थे कोई करंट इंक्रीज नहीं हो रहा था और आपके पास IDSS की वैल्यू आ रही थी, आपकी पिंच ऑफ वैल्यू निकली है -1 वोल्ट्स। लेकिन जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम जैसे ही 0 वोल्ट से इंक्रीज हुए, अब जीरो की बजाय मीन्स पहले हम नेगेटिव वैल्यूज में थे -5 से लेकर 0 वोल्ट तक, अगर इसकी भी फर्दर डिवीजन की जाए तो -5 से लेकर -1 वोल्ट तक आपको कोई करंट नहीं मिल रहा था,
जीरो एम्पेयर करंट मिल रहा था। क्यों जीरो एम्पेयर करंट मिल रहा था? वो इस वजह से था क्योंकि आप इस रीजन में लाए कर रहे थे जो कट ऑफ से भी आगे जा रहा था, ठीक है। क्योंकि आप माइनस वन आपके पास पिंच ऑफ वोल्टेज था, आप माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड माइनस फाइव यहाँ पर लाए कर रहे थे, ठीक है। तो ये रेड लाइन इस ग्राफ को ही शो करती है। अब जैसे ही आप माइनस वन से आगे शिफ्ट हुए तो आपका करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, और इंक्रीज होते होते वो आपके पास IDSS पर पहुंचा जब आपके पास VGS वैल्यू जीरो होगी। अब नेक्स्ट जो चीज़ पोर्शन स्टार्ट हुआ है वो है फ्रॉम जीरो टू टू वोल्ट्स। अब जब आप देख रहे हैं कि आप जैसे ही जीरो से टू वोल्ट की तरफ चले गए तो आपका डी मॉसफेट कौन से मोड में शिफ्ट हो गया? इन्हांसमेंट मोड में। या फर्दर मजीद इलेक्ट्रॉन्स को चैनल में इंड्यूस किया जा रहा है और उन्हें कंडक्शन में इन्वॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आपको जो जैसे ही आपने जीरो से कुछ करंट वोल्टेज इंक्रीज किए जो शायद 0.05 थी, तो उस पर आपको करंट की वैल्यू बता सकते हैं कोई? मेरे से 10 माइक्रो एम्पीयर 10 पॉइंट समथिंग। यस सर 10 10 पॉइंट समथिंग माइक्रो 10.71 था सर 10.71 माइक्रो, ठीक है 7117 माइक्रो। तो ये चीज़ समझने वाली कि आपको ग्राफ उस चीज़ में समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो अब हम उसी पॉइंट में चले जाते हैं और अभी हम देखते हैं कि हमारे पास सॉरी 0.355 वोल्ट पर आपके पास करंट है 10.711 माइक्रो एम्पीयर, मैंने वहाँ पे 0.5 लिखा है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। फर्दर आप उसे इंक्रीज करते हैं तो आप 0.67 पर गए तो 10.114 माइक्रो एम्पीयर, फिर आप 0.985 पर गए तो 22.615 माइक्रो एम्पीयर, फिर 1.3 वोल्ट पर 30.215 माइक्रो एम्पीयर, 1.615 पर 38, 1.93 48, और जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं तो आपके पास करंट इंक्रीज होता जा रहा है कि आप इन्हांस करते हैं। लेकिन कब तक आप बढ़ाते रहें? क्या इसका मतलब ये है कि हम जितना वोल्टेज को बढ़ाते रहें, मीन्स टू वोल्ट से ज़्यादा बढ़ाते रहें तो करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता रहेगा? तो हम तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करंट अचीव कर सकते हैं इससे। तो एक पोर्शन आएगा इन्हेंसमेंट मोड के बाद जिसे आप कहेंगे, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखें तो ग्राफ में बहुत इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। इंक्रीज आने का मतलब ये कि आपके पास फाइनली इतना एक्सेसिव करंट होगा कि वो आपके डायोड को बर्न आउट भी कर सकता है, ठीक है। वो डायोड की मैन्युफैक्चर के लिहाज से उसकी लिमिट पे डिपेंड करता है। तो ई मॉसफेट क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन? किसी तरह की कन्फ्यूजन है तो काइंडली मुझसे ज़रूर पूछें जी। कोई कन्फ्यूजन नहीं है सर जी? बस एक कहता कह रहा था कि सर ये जो तीसरी जो कनेक्शन है सर ये डी मॉसफेट का जी, सर अगर आप इसको डिस्कनेक्ट करके ज़रा अगर आप वोल्टेज बढ़ाएं वो गेट पर तो सर चेंज होएगा? नहीं, हमें इसे वही चीज़ है जैसे आपको कहा गया था ना कि आप बॉडी को उसको ग्राउंड कर रहे होते हैं ताकि आपके पास वो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस वाले क्या कहते हैं कनेक्शन आ सकें, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से चैनल की तरफ आ सकें या चैनल से दोबारा आपके पीस सब्सट्रेट की तरफ जा सकें। अगर आप इस कनेक्शन को हटा देते हैं तो तब भी आपका डी मॉसफेट डिस्टर्ब हो जाता है। यस सर। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो ई मॉसफेट के डी मॉसफेट के लिहाज से? नो सर। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको ये पता है, आपको डी सी स्विच यूज करना आता है अभी? यस सर। ठीक है, तो अब आप यही ग्राफ मींस यहाँ पर तो ये जो हमने काम किया हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए किया कि हमारे पास हमें ये वैल्यूज मिल सके, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ आपने करनी होती है वो ये है कि आपके पास आपको डीसी स्विच करना है, क्योंकि आपको लास्ट टाइम मैं समझा चुका हूँ वो री इन्वेंशन ऑफ द व्हील होगा। तो आप दोबारा से डीसी स्विच पर चले जाएंगे, आप क्या करेंगे, आप अपने पास सोर्सेज को यूज़ करेंगे। कौन सी सोर्सेज हैं? दो सोर्सेज हैं, VDS एंड VGS। इन दो पहले आप इस सोर्स को ज़ीरो रख देंगे और सिर्फ सिंगल सोर्स के लिहाज से, ठीक है। आप सेकेंड सोर्स यूज़ नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि आपको पहले एक ग्राफ ये देखना है कि आपके पास पिंच ऑफ वोल्टेज क्या आता है। याद है ना जे मॉसफेट के ट्रांसफर करके से कर्व? ये नहीं याद आप लोगों को जी? नहीं याद? याद है सर, उसमें जहाँ पे जाके लेवल हो जाता था करंट। नहीं, हाँ मीन्स आपको ये इस ग्राफ से भी रमेश में आ जाए ये ग्राफ, क्योंकि पहले आपको ये ग्राफ निकालना मकसूद है कि आपको ये पता चले कि आपके पास IDSS की क्या वैल्यू है और पिंच ऑफ वोल्टेज की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है? गेट टू सोर्स वोल्टेज को ज़ीरो रखना, ठीक है। इसके लिए आप गेट टू सोर्स वोल्टेज को ज़ीरो रख रहे हैं,
और फिर फर्दर आप क्या कर रहे होंगे कि आप VDS को बढ़ा रहे होंगे 0 से लेकर 10 वोल्ट तक, तो आपको ओमिक रीजन भी मिलेगा, कॉन्स्टेंट करंट एरिया भी मिलेगा, और फिर आप फर्दर बढ़ाएंगे तो आपको ब्रेकडाउन भी मिल जाएगा। तो जिसकी वजह से आपको दो चीज़ें पता चल जाएंगी, एक होगा IDSS और दूसरा होगा आपके पास पिंच ऑफ वोल्टेज। ऑल्दो वो आपने कैलकुलेट कर लिया है वो 6.407 माइक्रो एम्पेयर और पिंच ऑफ वोल्टेज -1 वोल्ट आ रहा है, लेकिन उस चीज़ को ग्राफिकली शो करना भी ज़रूरी है, फिर आप डीसी ट्यूब से शो कर देंगे। फिर इसके अलावा जो दूसरा ग्राफ होगा वो ये ग्राफ होता है इसलिए ताकि आप इस तरह का ग्राफ अचीव कर सकें, ठीक है। वो क्या होगा, उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपके पास जो सेकेंड सोर्स है, अब फर्स्ट सोर्स के लिए अगर लेट सपोज आपको सोर्सेज शो नहीं हो रही, इन केस अगर आपके पास इश्यूज आ रहे हैं, तो काइंडली चेंज फिल्टर इसके ऊपर क्लिक कीजिए करें और ये तमाम ऑप्शंस को क्लिक कर दिए करें, ठीक है। अगर वो क्लिक नहीं है तो उन्हें क्लिक कर दिए करें, ओके कर देंगे तो आपके पास ये तमाम की तमाम चीज़ें आएंगी। अगर मैं दिखा दूँ तो अगर तो आप देख रहे हैं जैसे ही फिल्टर चेंज हुए तो आपको कोई सिर्फ VCC सोर्स मिल रही है और कोई सोर्स नहीं मिल रही है। तो आप चेंज फिल्टर पे इसे क्लिक करें, ओके करें और आपको तमाम सोर्सेज मिल रही हैं, ठीक है। तो आपको फिर वो सोर्सेज मिल सकती हैं कि आपके पास दो सोर्सेज हैं, मैंने इसीलिए नाम रखे थे इस तरह के कि आपको VDS और VDS, तो आपको VDS के लिहाज से देखना होगा, तो आपने VDS लिख दिए जिसकी जीरो वैल्यू स्टार्ट है और एंड वैल्यू आपके पास 10 वोल्ट है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या इसी के बाद रन करना है, नहीं, आपने आउटपुट की तरफ जाना है और फिर आपने करंट्स को देखना है कि आपके पास कौन से करंट की वैल्यू आपने मेजर करनी है, ठीक। अगर ये चीज़ें भी आपको शो नहीं हो रही थी, ये तमाम की तमाम चीज़ें, तो आप फिल्टर अनसेलेक्टेड वेरिएबल्स में जाएंगे, यहाँ पे फिल्टर अनसेलेक्टेड वेरिएबल्स लिखा हुआ है, इन तीन ऑप्शंस को ओके करेंगे। अगर आप ओके नहीं करते तो कुछ चीज़ें आपको शो नहीं हो रही थी, ठीक है। तो आप ये आउटपुट चेक करेंगे, एनालिसिस पैरामीटर सेट करेंगे और फिर रन करेंगे तो आपको फर्स्ट वाला ग्राफ मिल जाएगा। और सेकेंड ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे, अब आपको दूसरी सोर्स भी यूज़ करनी होगी, तो आप यूज सेकेंड सोर्स, ये काम भी आपने अपनी जेफा ट्रांसफर स्टैटिस्टिक कर्व में किया हुआ है। तो यहाँ पर भी अगर नहीं शो हो रहा था तो चेंज फिल्टर पे जाएंगे और यहाँ पे सेकेंड सोर्स आप यूज़ करेंगे VGS को डी मॉस्फेट, और फिर उसकी स्टार्ट वैल्यू आप बता देंगे, वो आपके पास -5 से स्टार्ट होगा और स्टॉप होगा आपके पास 2 पर, और फिर आप उसमें इंक्रीमेंट करें होंगे 0.5 वोल्ट्स, ठीक है। और फिर इसके लिए आप आउटपुट भी देख रहे होंगे, आउटपुट क्या होगी, आउटपुट हमेशा ड्रेन करंट होगी। तो आपने वो दो ग्राफ्स भी ज़रूर निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरे ट्रांजिस्टर की तरफ आ जाते हैं जो कि हमारे पास ई मॉस्फेट है, अब ई मॉस्फेट में चीज़ें नोट कीजिएगा, VDS उसी तरह से 0 और 4 वोल्ट्स है, कि मैं चेंज कर देता हूँ, मैं सी कर देता हूँ, और यहाँ पर आपके पास जो VGS है वो अब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें थ्रेशोल्ड वैल्यू एटलीस्ट चाहिए होगी, ठीक है, एटलीस्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू कि जब हमारे पास कंडक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 10 वोल्ट और मिनिमम वैल्यू आपके पास 0 वोल्ट्स, और इसकी की को हम चेंज कर देते हैं, हम डी कर देते हैं, ओके। और ई मॉस्फेट के लिए जो आपने ट्रांजिस्टर का नंबर यहाँ पे यूज़ किया है वो है 2N6659, सिंबल से पता चल रहा है ई मॉस्फेट चैनल डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको चैनल डेवलप करने के लिए क्या करना होगा, आपको चैनल डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ VGS प्रोवाइड करनी होगी, तो हम इसके नेम भी चेंज कर देते हैं, VGS अंडरस्कोर ई, ई फॉर ई मीन्स फॉर ई मॉस्फेट, ठीक है। और इसे हम कर देते हैं VDS अंडरस्कोर ई, और उसका मतलब है कि हम ई मॉस्फेट। तो अब हमारे पास ग्राफ में जो चीज़ हमें समझ में आती है वो ये है कि अगर इसे हम जीरो रखें, हम यहाँ पे करंट को मेजर करें, तो क्या चीज़ें होंगी हम उसे देख लें। हम इस वायर को ब्रेक कर देते हैं, हम यहाँ से मल्टीमीटर ले आते हैं, इसको फ्लिप कर देते हैं, ठीक है जी, कनेक्शन ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि किसी भी जीरो कर देते हैं, अब हमें एम्पेयर चाहिए होगा और डीसी में चाहिए होगा, तो हम इसी चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो हम प्ले करते हैं तो हमारे पास 0 एम्पेयर करंट है, हम सी की यूज़ कर रहे हैं फॉर डीएस, तो मैं सी प्रेस कर रहा हूँ,
है तो आपके पास नैनो एम्पेयर ऑफ करंट है। अरे नैनो एम्पेयर कैसे फ्लो हो रहा है? नैनो एम्पेयर एक बहुत नेग्लिजिबल करंट है, बहुत नेग्लिजिबल करंट। देखिए इसीलिए हम 3 वोल्ट तक पहुंच गए, 5 वोल्ट, 3.4 वोल्ट तक पहुंच गए, हम नैनो से माइक्रो की तरफ शिफ्ट ही नहीं हो पा रहे। देख रहे हैं आप, मैक्सिमम 4 वोल्ट तक पहुंच चुके हैं लेकिन हमारे पास 9 वोल्ट नहीं है। हम इसको 10 तक भी ले जाएं तो हम नैनो एम्पेयर की नहीं, नैनो एम्पेयर अगर आप देखें 671, तो इसका मतलब है कि 671 × 10⁻⁹ एम्पेयर का करंट है। तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल करंट है जिसको यूज़ करने के लिए हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल होगा। निग्लिजिबल करंट या लीकेज करंट, ये हमेशा डिफ्यूजन की वजह से होता है, टेम्परेचर के अफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों को देखना होता है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास ट्रांजिस्टर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपने पोटेंशियल कहीं से अप्लाई की हुई है, एक तरह से पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो आपको ये भी पता है कि आपके पास इनकी अपनी एक एनर्जी है। जब एक इलेक्ट्रॉन कहीं पे मौजूद है तो उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर क्रिएट होती है, ठीक है। अगर मैं अलग तो मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के लिहाज से आपको बताऊं तो उसके अलावा आपके पास जब पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसी तरह नेगेटिव चार्जेज उनकी भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो उनकी वजह से जो इंडक्शन के प्रोसेस या बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक जगह से दूसरी तरफ एटलीस्ट वाइब्रेट कर रहे हो या मूव कर रहे हो, उनकी वजह से जो जो करंट की वैल्यू आ रही है वो 6.71 नैनो एम्पेयर में आ रही है आपके पास, ठीक है। लेकिन आपने ये नोट करना है कि आपके पास जब आप यहाँ पे जैसे ही जीरो से अबव मूव करते हैं तो आप माइक्रो एम्पेयर में शिफ्ट हो जाते हैं और माइक्रो एम्पेयर की करंट में आप आ जाते हैं। यहाँ पे आप नैनो एम्पेयर की करंट में ही रह रहे हो, आपके पास नैनो एम्पेयर की आ रही है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो भी मटीरियल होता है उसके अंदर जब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इटसेल्फ एक मूव कर रहे हैं ना, अपने ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हो, तो एक वाइब्रेशनल एनर्जी भी मौजूद होती है वहाँ पे। उसके अलावा टेम्परेचर की वैल्यूज भी अफेक्ट कर रही होती हैं और बहुत से पैरामीटर्स हैं जो कि इन डिटेल डिस्कस किए जा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास गेट टू सोर्स वोल्टेज, अब जो डिफरेंस है वो ये है कि पहले से चैनल डेवलप था इसलिए आप ओहमिक रीजन में शिफ्ट हो जाते थे, कि आप डायरेक्टली आपके पास ओहमिक रीजन में आप आ जाते थे, कि आप जैसे ही आपके पास चैनल डेवलप आप VDS को बढ़ाते हैं तो आपके पास करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब हमें देखना होगा कि कब किस पॉइंट पर जाकर आपके पास VGS मींस थ्रेशोल्ड, अब हमें थ्रेशोल्ड देखना होगा ई MOSFET के लिए। और अगर हम वो ग्राफ नजर आए तो ये, ठीक है। तो हम कब तक हम इसी बहुत निग्लिजिबल करंट में रहेंगे? जब तक थ्रेशोल्ड नहीं आता, और जब थ्रेशोल्ड अचीव हो जाएगा तो थ्रेशोल्ड के बाद आप इस एम्पियर करंट में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। तो हम की प्रेस करते हैं डी, होपफुली रन है जी, 0.5, ठीक है। वो अभी तक नैनो एम्पियर में ही है, 1 वोल्ट वो अभी तक नैनो एम्पियर में ही है, 1.5, 2 वोल्ट। शिफ्ट देखा है आपने, एक बहुत रैपिड शिफ्ट है, वो क्या शिफ्ट है अगर आपने वो नोट किया? यस सर, नैनो से एकदम से मिली हो गया जी, नैनो एम्पेयर से आप बहुत रैपिडली मिली एम्पेयर में शिफ्ट हो चुकी है। ये चीज़ आपको सजेस्ट करती है कि आप डायरेक्टली क्या चीज़ हो चुका है कि आपके पास एक पाथ मिल चुका है इलेक्ट्रॉन्स को। ये ऐसा ही है कि आपने डैम में पानी स्टोर किया हुआ है, ठीक है, और वो उस टाइम तक स्टोर है, उसे कोई पाथ नहीं मिल रहा। जैसे ही आपके पास डैम के आप शटर्स उनको ओपन करते हैं, ठीक है, जो भी आपके टर्बाइन और उनके आगे जो शटर्स लगे हुए हैं उनको आप ओपन करते हैं तो आपके पास एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ पानी फ्लो करेगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कि आपके पास चैनल मौजूद नहीं है, जो मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स बताए, टेम्परेचर, वाइब्रेशनल एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, फैराडेज लॉ और बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही। इसी वजह से करंट ज़रूर था लेकिन वो था नैनो एम्पेयर में। अब जैसे ही आपके पास एक VT मीन एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो आपने सेट किया, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको एक पाथ मिल गया जिसको वो बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं। पहले वो एक डिस्पर्स इलेक्ट्रॉन्स थे, वो कोई कहाँ से फ्लो कर रहा है, कोई कहाँ से फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से आपको वो इलेक्ट्रॉन्स मिल सामने नज़र आ रहे थे। तो आपको जो चीज़ें नोट करनी फॉर दिस वो ये है कि आपको ये पता चले कि VT
वीटी जिसे आप वीजीएस थ्रेशोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो उसकी वैल्यू अभी तक तो हमें 2 वोल्ट नजर आ रही है, क्या ये एग्जैक्ट 2 वोल्ट है ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या ये एग्जैक्टली 2 वोल्ट है तो हमें इस चीज को देखना हो, तो हम क्या करते हैं, हम इसको स्टॉप करते हैं, हम 2 वोल्ट में इसके जो वैल्यूज में इंक्रीमेंट्स हैं 5 की बजाय इसे हम 2.5% कर देते हैं, या हम इसे 3% कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसे दोबारा से 0 कर देते हैं और इसे प्ले करते हैं, ठीक है। तो काइंडली नोट कीजिएगा कि हमारे पास हम D की प्रेस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे D है, हम देखते हैं कि हमारे पास थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, 0.6 पर नहीं है, 0.9 पर नहीं है, 671 नैनो एम्पेयर एक कांस्टेंट वैल्यू चल रही है। अगर मैं इधर लिखते हैं 671 नैनो एम्पेयर से आप शिफ्ट होते हो पता नहीं कितनी मिली एम्पेयर, डी की को हम प्रेस कर रहे हैं 1.2, अभी भी 671 है, 1.5 अभी भी आपके पास 671 नैनो एम्पेयर है, आपके पास 1.8 ये वो पॉइंट है जिसमें आप नैनो से माइक्रो एम्पेयर में शिफ्ट हुए हैं 1.8। तो वीजीएस थ्रेशोल्ड को 2 वोल्ट की बजाय आप 1.8 वोल्ट भी मेंशन कर सकते हैं। अब आप जब जैसे ही 1.8 या 2.1 पर आप शिफ्ट हुए तो वो माइक्रो एम्पेयर भी है, तो मैं इसे बहुत एक्यूरेट लिखने के लिए 1.8 वोल्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड मीन्स अब आपको ग्राफ में ये वाला पॉइंट आपको मिल चुका है थ्रेशोल्ड। अब जैसे जैसे आप वीजीएस को बढ़ाते जाएंगे तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करता रहेगा, तो आप कब तक बढ़ा, तो ये अब इसी से ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले VGS को आपने लेट सपोज आप मैक्सिमम पर रख लिए कि आपके पास प्लस 8 वोल्ट आ रहा है क्या आ रहा है, या आप इनकी ई मॉसफेट के लिहाज से आपको ये है कि आप एक कंबाइंड ग्राफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 1.8 वोल्ट्स, और अब हम फर्दर इंक्रीज करते हैं डी, तो करंट मिली एम्पीयर में इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हम इसे इंक्रीज करवाते रहेंगे, हम देखें हम नैनो एम्पेयर से शिफ्ट, अच्छा वो मिली एम्पेयर नोट किया लगता है, तो हम इसे कब तक बढ़ाते रहेंगे, हम तो करंट में एक नैनो एम्पेयर की रेंज से निकलकर, नैनो एम्पेयर की रेंज से निकलकर अगर मैं आपको बताऊं तो हम जब अपने ग्राफ में मूव हो रहे हैं तो हम 2.71751 एम्पेयर तक हमें करंट, तो कब तक, इसका मतलब क्या है कि हम इसे बढ़ाते जाएं नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप इन्हेंसमेंट मोड या ई मॉसफेट में बताएंगे तो उसकी एक मैक्सिमम करंट की रेटिंग होगी कि मैक्सिमम आप कितने कितने करंट तक की वैल्यूज को अचीव कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ये ई मॉसफेट में किसी को कोई कमी है? नो सर। साद, यूनस? नो सर। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद जैसे कि आपने पहले डीसी स्वीप आपको पता है तो आप सिमुलेट में जाएंगे, एनालाइज एंड सिमुलेशन में जाएंगे और आप फिर इसके बाद डीसी स्वीप सेलेक्ट करेंगे, तो अब आप ई मॉसफेट के लिहाज से ये वाला ग्राफ फाइनली अचीव कर सकते हैं। मीन दोनों ग्राफ लाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये ग्राफ को देखें कि ये ग्राफ क्या है, तो उस ग्राफ के लिए आपको दोनों सोर्सेज को यूज़ करना होगा और दोनों सोर्सेज में आपको अभी होपफुली ई मॉसफेट वीडीएस भी शो हो रहा होगा जो कि 0 से लेकर हमने शायद 4 वोल्ट रखा है, और दूसरी आपके पास जो सोर्स है वो है VGS फॉर ई मॉसफेट, ठीक है। और उसके लिए फिर आपके पास जो आपने स्टॉप वैल्यू रखी है वो है 10 और इंक्रीमेंट आप 0.5 वोल्ट से देंगे, तो इन और उसके बाद आप आउटपुट ऑफ करंट के लिहाज से उसकी करंट की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और फिर आप उसे रन करेंगे और आप ग्राफ क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको अब ये दो एक्सरसाइजेज जो आपके पास मौजूद हैं इनमें, क्योंकि वो चीज़ आप पहले कर चुके हैं, ये आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए दोबारा से करवाया है, अब आपको एक तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके ये ग्राफिकली वैल्यूज ज़रूर पता होनी चाहिए ये वैल्यूज, और ये दूसरा ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ जिसके ज़रिए से आप पिंच ऑफ वोल्टेज और IDSS कैलकुलेट कर सकते, और दूसरा ग्राफ जिसमें दोनों सोर्सेज को यूज़ करते हुए आप फाइनली वो पूरा का पूरा ग्राफ शो कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपके पास ई मॉसफेट है, ई मॉसफेट के लिहाज से एक तो आप यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से वैल्यूज आ रही हैं वो मीन जिसमें आपको थ्रेशोल्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है,
और दूसरा आपको इसका ग्राफ, जो कंप्लीट ग्राफ बनना है इस तरह का ग्राफ कि डिफरेंट वीडियोस के लिहाज से और डिफरेंट वीडियोस के लिहाज से क्या ग्राफ्स आते हैं, ये ग्राफ निकालने आपको आते हैं, तो आप इसको देखेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो क्या है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो अभी तीन तरह के आपको सर्किट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जूम कर दूँ या इस तरह से? ठीक है, जो आपको विजिबल। ठीक है, तो तीन तरह के, पहले तो आप ये बताएंगे कि ये ट्रांजिस्टर कौन कौन से हैं ताकि मैं यहाँ पे लिखूँ। जी, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, आपकी स्क्रीन मूव नहीं हो रही सर। स्क्रीन तो शो हो रही सर, मगर मूव नहीं हो रही सर। वही मल्टीजियम आ रहा है पुराना वाला जो अभी आपने। जी जी, मैं मल्टीजियम पे ही मैं नीचे मूव कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसे ऐसे करते हैं कि हम इसको साफ करते हैं और दोबारा से शेयर कर देते हैं। जी, अब आ रहे हैं? यस सर, यस सर। ठीक है, जो आप सबसे पहले ये बताएंगे कि ये ट्रांजिस्टर कौन सा है। ठीक है, तो बाद में हम आगे चीज़ों पर शिफ्ट होंगे। जी, ट्रांजिस्टर वाला जी, जो फर्स्ट जिसके ऊपर मैंने टेक्स्ट लिखा हो, फर्स्ट। यस सर, यस सर। सर ये ई मॉस्फेट है। एक्सलेंट। सेकंड वन वो भी ई मॉस्फेट है। थर्ड। एक्सलेंट। ठीक है, ये हमारे पास तीनों चीज़ें हैं। और क्लियर कैसे हो रहा है? आपको चैनल से पता चलना चाहिए, ये नहीं कि आपने ऊपर अगर नंबर्स याद रखे हैं तो आपको नंबर से याद हो। चैनल डी मॉस्फेट में डेवलप्ड होता है, ई मॉस्फेट में चैनल डेवलप नहीं होता। जी, अब क्योंकि हमारे पास ये ई मॉस्फेट है, तो बता सकते हैं ये कौन सी बायसिंग यूज हुई है? ड्रेन फीडबैक बायस। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फीडबैक क्या है। फीडबैक में जब आउटपुट से इनपुट में कोई वोल्टेज आ रही है तो उसे हम फीडबैक कहते हैं। तो ये अब कौन से टर्मिनल है? ड्रेन है, तो हम इसलिए इसे कह रहे हैं ड्रेन और फीडबैक बायस। ठीक है, ये हमारे पास ड्रेन फीडबैक बायस का पहला सर्किट है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग लास्ट लेक्चर में है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो फिर वो चीज ही देख सकता है। और ये हमारे पास कौन सा सर्किट है, कौन सी बायसिंग है MOSFET की? सर वोल्टेज डिवाइडर बायस। ठीक है, तो ये हमारे पास MOSFET वोल्टेज डिवाइडर बायस। तो क्यू पॉइंट के लिए आपको बाकी चीजें क्योंकि ग्राफ की मिल चुकी हैं, कहाँ से मिली है वो यहाँ से मिली है। VGS थ्रेशोल्ड आपको मिल चुका है, VGS थ्रेशोल्ड के बाद आपको एक्सेसिव करंट तक, फाइनल करंट तक का ग्राफ भी मिल चुका है। अब ई मॉस्फेट में आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी कि अब हमारे पास क्यू पॉइंट के लिए आईडी की क्या वैल्यू आ रही है। तो ये मीटर आपने आईडी के लिए यूज़ किया हुआ है, और ये जो है आपने गेट टू सोर्स वोल्टेज के लिए यूज़ किया हुआ है। क्या कहते हैं, अब गेट टू सोर्स वोल्टेज को एटलीस्ट क्या होना चाहिए अगर आपने क्यू पॉइंट सेट करना है? थ्रेशोल्ड से ऊपर होना चाहिए। लीनियर रीजन या एक्टिव रीजन में तो थ्रेशोल्ड से ऊपर होना चाहिए, और थ्रेशोल्ड की वैल्यू क्या है? 1.8 वोल्ट। ठीक है, तो 1.8 वोल्ट से एटलीस्ट उसे अबव होना चाहिए अगर आप लीनियर ऑपरेशन चाहते हैं या आप एक्टिव रीजन में ऑपरेशन चाहते हैं। अगर आप कट ऑफ में चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज हमें एक्टिव रीजन या लीनियर रीजन में ऑपरेशन करने के लिए VGS में अगर लिख देता हूँ पिंच ऑफ होती है VGS threshold। ठीक है, VGS की हमारे पास, VGS threshold की हमारे पास बात करनी पड़ेगी। जी, ये सर पिंच ऑफ इसमें कैसे होती है सर? पिंच ऑफ आप अभी बिल्कुल फिक्स कर चुके हैं पिंच ऑफ को फॉर ऑफ करने के लिए, ऐसे ही हम उसे इसकी स्पेसिफिकली पिंच ऑफ एक्चुअली डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन क्या है कि जब आपके पास, लेट्स सपोज आपने 8 वोल्ट VGS प्रोवाइड किया, VGS क्लियर,
और आपने VDS को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो आपने बढ़ाना स्टार्ट किया तो जब तक वो 0 से लेकर 5 वोल्ट तक पहुंचा तो वो एक कांस्टेंट करंट एरिया में इंटर हो गया, तो वो पॉइंट जिस पॉइंट पे आपका ट्रांजिस्टर कांस्टेंट करंट एरिया में इंटर हो जाए उस पॉइंट को पिंच ऑफ वोल्टेज कहा जाता है, ठीक है। और वो वोल्टेज वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, वो 5 आ रही है, वो इसके लिहाज से भी तकरीबन 5 और इसके लिहाज से क्लियर। तो वो VGS ऑफ के इक्विवेलेंट सिर्फ उस एक स्पेसिफिक केस में, तो आप पिंच ऑफ वोल्टेज भी निकालेंगे ना, ठीक है। वो इस तरह से भी हो सकता है कि वो अभी अगर लेट सपोज हम इधर आ जाते हैं, वो इस ग्राफ में भी किया जा सकता है कि अब आपको ये पता है कि 1.8 एक वोल्ट, सॉरी इसको हम क्या कर देते हैं, हम 10 वोल्ट कर देते हैं, इसे जीरो कर देते हैं, इसे रन करते हैं और हम एम्पेयर को देखते हैं कि एम्पेयर की वैल्यू क्या आ रही है। फेमटो एम्पेयर आ रही है, आपने प्रेस किया सी 0.2, आप एक 168 मिली एम्पेयर में इंटर हो गए, 0.433 मिली एम्पेयर, 0.6496 मिली एम्पेयर, 655, 812, 966, 1.16, 1.24, 1.4, 1.5, 1.68, 1.81, 1.84, 1.81, 1.85, 1.81, 1.84, 1.81, 1.84, 1.81, 1.84, 1.85, 1.86, 1.81, 1.84, 1.85, 1.86, 1.81, 1.85, 1.84, 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
आप अगर 3 वोल्ट्स पर सेट करते हैं VGS को, तो फिर आप पिंच ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये ग्राफ है, तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू जैसे VGS 7 वोल्ट सेट कर दें, ठीक है, VGS 7 वोल्ट सेट करें और फिर फाइनली VDS को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करना स्टार्ट करें। और जब आहिस्ता आहिस्ता इसको इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे तो फिर एक पॉइंट आएगा जिसके बाद करंट आपके पास कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो जिस वो पॉइंट जिसके बाद वो करंट कांस्टेंट होगा, जैसे आपने डी मॉस्फेट में किया है, वो पॉइंट आपका पिंच ऑफ वोल्टेज होगा। तो लेकिन इसके लिए मस्त क्या है कि आपको एटलीस्ट ये वाली शर्त को पूरा करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास VGS को मस्त है कि ग्रेटर होना चाहिए VGS थ्रेशोल्ड। और सर इसमें फिर IDSS तो इसमें नहीं हो सकता? जी IDSS नहीं हो सकता, लेकिन आपके पास ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है, फिर आपके पास ब्रेकडाउन हो सकता है। वो भी निकालना मतलब वो कैलकुलेशन में एक सेकंड, एक सेकंड में आ जाएगा। क्या कह रहे थे जी मुबीन, कहें आप क्या कह रहे थे? तो सर इसमें मैं एक तो ये कह रहा था कि सर इसमें फिर कैलकुलेशंस कैसे होगी, क्योंकि हमारी तो कैलकुलेशन घूमती ही इन चीज़ों की गिरती। नहीं ई मॉस्फेट में IDSS कहाँ है? वही ना सर, तो VGS थ्रेशोल्ड कैलकुलेशंस कैसे आएंगी? VGS 10 वोल्ट, VGS थ्रेशोल्ड, ये तमाम कैलकुलेशन है आपके सामने, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जांपल्स लेकर आ रहा हूँ, कहीं भी IDSS नहीं चाहिए। सर ये सर आप एक ही फार्मूले सब पे अप्लाई ना करें ना, वो IDSS सेल्फ बायस और उन चीज़ों के लिए चाहिए, और उसके अलावा डी मॉसफेट और JFET के लिए चाहिए। इसमें हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए वो ये है VGS थ्रेशोल्ड। सवाल था अब एक जी जी पूछिए सवाल पूछिए सर, वो जो एनहांस मोड है जी, तो सर वो तो उससे कैलकुलेट नहीं हो सकता सादे फार्मूले से डी मॉस्फेट का? कैसे मतलब सादे फार्मूले से?
जिस तरह हम लोग फार्मूला लगाते हैं कि वो शॉकलीज इक्वेशन है सर, वो तो उसको नहीं जवाब दे सकती। शॉकलीज इक्वेशन हमने जेफेट के लिए पढ़ी है सर, इसके लिए कौन सी इक्वेशन आएगी? देखिए हमने पढ़ी होगी बहुत सारी इक्वेशन। ये जीरो बायस के लिहाज से हमारे पास आईडी है सर। सर अच्छा, अगर हमने नहीं भी पढ़ा है तो हमारे पास जब आईडी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मीन हमारे पास आईडी की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि उसके आईडीएसएस के साथ एक और चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी जो कि वीजीएस और वीजीएस ऑफ थे, सर वीजीएस जो कि डिवीजन में आ रहे थे, जो कि डिवीजन में आ रहे थे। सर तो अगर हमारे पास हमें आई डी एस एस के लिहाज से देखना हो तो हमें हमें लाजमी बात है कि हम आई डी एस एस से फर्दर ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो शॉकलीज इक्वेशन बिल्कुल आपको सिर्फ आई डी एस एस तक दे सकती है या फिर उसकी माइनस में वैल्यू दे सकती है। तो इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, ई मॉस्फेट के लिए वैसे मैं देखता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से हम शायद इसका सहारा ले सकें आईडी को, लेकिन इसमें हमें थ्रेशोल्ड नहीं पता होगी, लेकिन इसको मैं देखता हूँ कि हम उसके फर्दर उसके लिए कौन से फार्मूलाज यूज कर सकते हैं। ठीक है कि हम इन्हेंसमेंट मोड के लिए उसके करंट की एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए क्या चीज यूज कर सकते हैं। सही नहीं सर, सही सर, नहीं आ रहा यहाँ पर भी नहीं है, मैं इसको पढ़ता हूँ तो देखता हूँ, तो मुझे याद करवा दीजिएगा। अच्छा तो जो कॉन्स्टेंट करंट एरिया आप कह रहे थे उसके लिए लेट्स सपोज आप वीजीएस को 3.6 सेट कर दीजिएगा और फिर इसको इंक्रीज करते रहिएगा। तो अगर इंक्रीज पर आपके पास जहाँ पे कॉन्स्टेंट करंट एरिया आपको मिल जाए तो फिर आप उस लिहाज से देखिए। तो कोई समझ में आई कहाँ पर है कॉन्स्टेंट करंट एरिया? दोबारा से बैक से आ जाते हैं मूवी नहीं नजर आया अभी, मैं स्लो स्लो हो जाता हूँ। 0.6 पर 1.75 मिली एम्पीयर है, 0.8 पर 219 मिली एम्पीयर, 1 वोल्ट पर 256.119 है, 1.2 पर 285 मिली एम्पीयर है 1.2 वोल्ट पर, ठीक है, और 1.4 पर 307, 1.6 पर 321, 1.8 पर 227, 2 वोल्ट पर 328 और 2 वोल्ट के बाद 2.2 पर भी 328, 2.4 पर भी 328, 2.6 पर भी 328, 2.8 पर भी 328, 3 वोल्ट पर भी 328। तो आपको नज़र आ रहा होगा आप कॉन्स्टेंट करंट एरिया में इंटर होंगे। यस सर, ठीक है। तो 2.2 दोबारा से इनकी तरफ आ जाते हैं, हमारी ये जो नेक्स्ट बायसिंग है सिंपली डी मॉस्फेट। ठीक है, डी मॉस्फेट की कौन सी बायसिंग है ये? वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। ठीक है, एक और बायसिंग रह गई जो कि आपके पास जीरो बायस है, वो आपकी एक्सरसाइज है, आपने जीरो बायस भी ज़रूर करना है। ठीक है, तो आपके पास फोर बायसिंग्स होंगी, दो ई मॉस्फेट के लिहाज से और दो डी मॉस्फेट के लिहाज से। आपको बाकी तमाम वैल्यूज मिल चुकी हैं, तो आपको चाहिए होगा वीजीएस और आईडी। ठीक है, वीजीएस और आईडी चाहिए होगा और डी मॉस्फेट के लिहाज से, तो आप यहाँ से ये चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होंगे। अगर आप प्ले करते हैं तो आपको वैल्यूज नज़र आ रही हैं, इसी तरह से आप इसमें भी प्लेस करेंगे करंट और गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या रही। इसमें एक और चीज़ भी आप नोट करेंगे, वो आपने क्या नोट करनी है, वो ये नोट करना है कि आपके पास VGS इक्वल्स और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स VDS और नॉट। ठीक है, कि इक्वल है या नहीं है, क्योंकि हम ड्रेन फीडबैक में कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली इक्वल आ रहे होते हैं। सोर्स तो ज़ीरो है दोनों के लिहाज से, तो क्या गेट वोल्टेज और ड्रेन वोल्टेज दोनों सेम है या नहीं? ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें ये आपने यहाँ पे इनके क्यू पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए और क्यू पॉइंट के लिहाज से इनकी बायसिंग करती हैं। बाकी नंबर भी पता है और इनको प्लेस करना भी आपको आता है, तो हमने डीसी स्विच को भी यूज़ करना है और ज़ीरो बायसिंग्स को भी यूज़ करना है। तो ये टास्क हैं, आप मुझे अभी चैट में भेजेंगे आप
फॉर्म करेंगे इन्हें और मुझे दोबारा सेंड बैक करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल मेरे ख्याल से आज तक के उसके लिए। हमने हमने पढ़ा क्या क्या है, अगर हम उस चीज़ को डिस्कस कर लें, हमने डी मॉसफेट की जो अंडरस्टैंडिंग थ्योरी में डेवलप की थी उसको स्टडी किया कि वाकई वो उसी तरह से परफॉर्म होता है ग्राफ या नहीं होता। फिर हमने ई मॉसफेट की करेक्टरिस्टिक कर्व को स्टडी किया कि वो भी वाकई ऐसे परफॉर्म होता है या नहीं होता। फिर उसके बाद हमने इनकी बायसिंग्स को देखा है, तीन तरह की बायसिंग्स को। इस करेक्टरिस्टिक कर्व को मज़ीद क्लियर करने के लिए आप इसको ग्राफ्स में देखेंगे, ठीक है। तो ग्राफ्स में आप इसके रिजल्ट्स लेकर आएंगे, जो कि आपकी एक्सरसाइज है, जो जिसकी हेल्प आप प्रीवियस लैब जो कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कर्व जिसके वीडियो लेक्चर या तो यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे और इसके एम एस टीम पर भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा तीन तरह की बायसिंग्स हैं, ई मॉसफेट फी ड्रेन फीडबैक बायस, ई मॉसफेट वोल्टेज डिवाइडर बायस, इनके लिहाज से आप क्यू पॉइंट मालूम करेंगे और उनको ग्राफ में प्लेस करेंगे। डी मॉसफेट वोल्टेज डिवाइडर बायस, इसके लिहाज से आप क्यू पॉइंट फाइंड करेंगे और उसे वोल्टेज डिवाइडर बायस सॉरी ग्राफ में प्लेस करेंगे। एक और जो आपके पास आपने बायसिंग करनी होगी वो है फॉर डी मॉसफेट, जिसको आप कहते हैं जीरो बायसिंग। क्लियर? यस सर। क्योंकि आपको आई डी एस एस मिल चुका है, जब आप जीरो बायस करें तो आपका आई डी मस्ट है कि वो आई डी एस एस के इक्विवेलेंट आ रहा हो, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है। तो ये मेरे ख्याल से आज हम जो हमारे पास लैब है जो कि डी मॉसफेट एंड ई मॉसफेट की करेक्टरिस्टिक कर्व्स एंड बायसिंग्स यहाँ पर एंड होती है, ठीक है। उसके अलावा